भारतीय किसान यूनियन अवध के बैनर तले हजारों किसानों ने हरदोई जिले के पिहानी पावर हाउस के प्रांगण में बिजली, आवारा मवेशी व क्षेत्र की जर्जर सड़कों को लेकर की किसान पंचायत किसानों ने 28 सूत्रीय ज्ञापन अधिशाषी अभियंता विद्युत विभाग हरदोई, सहायक अभियंता विद्युत विभाग शाहबाद, अवर अभियंता पिहानी, तहसीलदार शाहबाद, कोतवाल पिहानी को सौंपा। पंचायत को संबोधित करते हुए किसान नेता राहुल मिश्रा ने बताया कि पिहानी, राभा, हरियावा, गोपामू, चठिया, आंजी आदि विद्युत उपखंडों से जुड़े गांवों में सरकार के कागजों पर 18 घंटे विद्युत आपूर्ति बहाल की जा रही है। जर्जर जो चुके सिस्टम की वजह से गांवों बमुश्किल 4 से 5 घंटे बिजली की आपूर्ति हो पाना बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि गांव के गरीब परिवारों को परिवार का पेट पालना मुश्किल हो रहा है, लेकिन बिजली विभाग लापरवाह और नकारा सिस्टम की वजह से गरीबों के बिजली के बिल 25 से 30 हजार रुपए तक आ रहे हैं, जिस कारण लोग परेशान और हैरान हैं। कार्यक्रम में पहुंचे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप शुक्ला श्यामू ने किसानों के दर्द को साझा करते हुए कहा, पावर हाउस में बैठे अधिकारी किसी भी कनेक्शन धारकों की समस्याओं को सुनने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने बिंदुवार पंचायत में बैठे अधिकारियों को समस्याओं से अवगत कराते हुए कड़े तेवरों में कहा, प्रदेश अध्यक्ष श्यामू शुक्ला, प्रदेश महामंत्री मयंक सिंह, जिला संरक्षक रमाकांत यादव, पिहानी ब्लॉक अध्यक्ष अतुल दीक्षित, ब्लॉक अध्यक्ष टोडरपुर अमिताभ सिंह, बबलू यादव, वाशिम खान, प्रधान खटेली उमर, पूर्व प्रधान पंडवा राफिन, अखिलेश वाजपेयी, नवल किशोर दीक्षित, तहसील अध्यक्ष राहुल मिश्रा मौजूद रहे। आज भी किसानों से होती है और कल भी किसानों से होती थी और कल भी किसानों से होगी, क्योंकि यह भारत देश हमारा कृषि प्रधान देश है। तो मैं समझता हूँ कृषि प्रधान जैसे देश में जिस देश की धरती 80% किसानों से हरी भरी हो, जिस देश की धरती 80% किसानों से सुशोभित हो रही हो, उस देश की धरती पर अभी ऐसा कोई माई का लाल नहीं जन्मा है जो उस देश के किसानों की गणना कर सके, उस देश के किसानों की गिनती कर सके। इसलिए अगर सबके नाम हम लेंगे भी तब भी किसी न किसी एक साथी का, किसी न किसी एक माता बहन का नाम छूट जाएगा। इसलिए इस पंचायत में जितने भी किसान साथी बैठे हैं, जितने भी किसान साथी खड़े हैं, जितने भी किसान साथी छोटे हैं, जितने भी किसान साथी बड़े हैं, वंदनी माताएं, पूजनी बहने हैं, प्रशासन में लगे यहाँ पर प्रशासन के कर्मचारी हैं, पत्रकार बंधु हैं, मैं श्यामू शुक्ला आप सभी के चरणों में झुककर के प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ। बड़े ईमानदार है, बड़े वफादार है और बड़े कर्मठ है और समय सीमा के अंदर रहकर काम करने की घोषणा करते, लेकिन महोदय उसी प्रदेश में उन्हीं के जहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार ग्रामीण अंचल में 48 घंटे में निशुल्क और सरकारी वाहन पर ट्रांसफार्मर बदलने की बात करती है, हमने देखा है गांव में, कई गांव के बिंदु उसके अपन में शामिल है, भी बिंदुवार चर्चा करूंगा। महोदय 15-15 दिन तक हमारे गांव के विद्युत आपूर्ति के ट्रांसफार्मर बदले नहीं जाते और उसमें भी लाइन मैन और जेई को 1500 रुपया चंदा देना पड़ता है तब तो हमारे गांव के जले हुए ट्रांसफार्मर बदलते। मैंने कहा है वक्त ने आईना दिखाया है, आपके लिए विडंबना का विषय। यह उत्तर प्रदेश का जनपद हरदोई है, जिस जनपद हरदोई में किसी समय ऊर्जा का मंत्रालय हुआ करता था, है याद आपको? ये वही हरदोई है जिस हरदोई के एक बेटे को पूरे उत्तर प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को ठीक करने के लिए ऊर्जा मंत्रालय का दायित्व दिया गया था। लेकिन मैं समझता हूँ ये विडंबना का विषय है, जिस बेटे के हाथ में पूरे प्रदेश की विद्युत व्यवस्था ठीक करने का पावर हो, वो बेटा अपने घर की भी विद्युत व्यवस्था न ठीक कर पाए, तो मैं समझता हूँ विकास कर पियानी और आपके जो विभाग के एमडी साहब लखनऊ में बैठे हैं शक्ति भवन में, उनको भी जेल की सड़कों के लिए जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। महोदय मैंने देखा है पिछले कुछ वर्षों में आपके चाहिए और आपके एसडीओ आपके लाइन में हमारे गांव में किसी नलकूप कनेक्शन को चेक करने के लिए जाते हैं, अगर किसी नलकूप कनेक्शन धारक के ऊपर 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 15,000 रुपए बकाया होता है तो उसको
मकान लेने जा करके 135 और 138 बीघा विद्युत चोरी का मुकदमा लिखा दिया जाता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिसने कनेक्शन ले रखा है, जो आपको पैसा भी देना चाहता है, जो आपके दिमाग को ब्याज भी दे रहा है, वह चोर कैसे हो सकता है? उसने तो डिमके की चोट पर आपसे परिस्थितियों में हमारे किसान के ऊपर विद्युत चोरी के मुकदमे कैसे लिखे जाते, इस पर शासन से बात करके महोदय आपके सर्किल में आपके क्षेत्र में जितने भी विद्युत कनेक्शन धारकों के ऊपर विद्युत चोरी के मुकदमे लिखाए गए हो उनको या तो वापस कर लीजिए, वरना आप सबके कारनामों की वजह से आने वाले 2021 के विधानसभा चुनाव में वर्तमान सरकार के लोगों को गांव के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा, खदेड़ दिया जाएगा और फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपके करतूतों की वजह से आज इनको भगाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा। विभिन्न पावर हाउस क्षेत्रों में जो इस समय 18 निर्विवाद बिजली देने का जो सरकार का एक वादा है उसमें भारी पैमाने पर कटौती हो रही है। लो वोल्टेज जर्जर लाइन, जले हुए ट्रांसफार्मर नहीं बदल रहे हैं और बिजली विभाग के द्वारा जो मनमाने तरीके से विद्युत उपभोक्ताओं के जो बिल भेजे जा रहे हैं, इन सभी समस्याओं को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें जनपद के अधिशासी अभियंता महोदय, सहायक अधिशासी अभियंता महोदय व अवर अभियंता तथा तहसीलदार महोदय के द्वारा आश्वस्त किया गया है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग एक महीने में कोई न कोई हल जरूर निकाल लेंगे।